Oh,
बालकृष्ण के चरणों में डूबते फिर
शक्ति शिवा विशा
पूरी बंद की थी।
जाओ, सारे शेयर करते जाओ, सारे भारत से सुनो। जय माता दी, जो जो देख रहे हैं शेयर करते जाओ साथ साथ। सभी ने ध्यान से मेरी एक बात सुननी है, जो सच्चाई होती है, जो कोरोना महामारी के बारे में। कोरोना महामारी अभी पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, एक हमारे जम्मू कश्मीर में, पूरा वर्ल्ड में जो सारे शेयर करते जाओ साथ साथ, जो देख रहे हैं सारे शेयर करते जाओ। तो इसमें आप सभी को शायद इसकी जानकारी ना हो, तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जो 200 साल पहले की बात है, 1820 में भी महामारी एक बार हुई थी, और हुई थी जहाँ जनरल जोरावर दिया था, जनसरा का देश लद्दाख में जो पड़ता है, वहाँ महामारी लगी थी, जिससे पशु पक्षी इंसान को मर ही रहे थे, लेकिन पशु पक्षियों को भी महामारी लगी थी उस समय। तो उस समय ये चंडी माता पिंडी के रूप में, जो चंडी माता का जिसको आप मानते हैं, वो पिंडी रूप में चंडी माता है, जो अभी फोटो यहाँ पे लगी है। इसमें काली माता की फोटो लगी होगी, जिसका हाथ में थप्पड़ पकड़ा हुआ है। तो उस दौर में चली थी, जब महामारी लगी थी, तो जोशदार के लोगों को चंडी माता मचेल का आदेश हुआ था कि आपने वहाँ उस समय 1000 चूल्हे, आप सभी जानते हैं, मैं भी गाऊंगा, चूल्हे 1000 चूल्हे, मतलब 1000 घर, सभी ने एक एक रुपया चांदी का इकट्ठा किया था। उस समय माता का आदेश हुआ था कि चांदी की मूर्ति बनानी है, चांदी की मूर्ति बनाकर मेरे दरबार में चढ़ानी है, तो महामारी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये मूर्ति उस समय जिसदार वालों ने चढ़ाई थी मुझे, में आकर वो महामारी खत्म हो गई थी। तो सभी कलाकारों ने अपना अपना तरीके से गाया, सभी ने हाजिरी दी, फेसबुक को दी, चाहे जागरण में दी कि भाई कोई बुलाता है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, हाथ दिन को 10 बार धो लो, मास्क लगाओ, तो ये फ्रेश बताया गया था। लेकिन मैंने इस लॉकडाउन में एक ही चीज, जब हमने जो पूर्वजों से सुना था कि महामारी एक बार पहले भी लगी थी, तो मैंने सब कुछ छोड़कर चंडी माता की शरण में गया। हमारी कुल देवी है, एक भेंट लिखी थी, एक भजन लिखा था कि माता रानी, अगर तुमने 1820 में महामारी को खत्म किया था, तो तुम आज भी खत्म कर सकती थी। तो कोई ऐसा भजन लिखा, नया भजन जो मेरा बहुत रिकॉर्डिंग हो चुका है, बहुत बहुत आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। भक्ति की थी चंडी माता, इस महामारी को एक बार खत्म कर दो। और उसमें एक शर्त यह है कि सभी ने अपने घर में सुबह शाम पूजा रूम में चंडी माता को अरदास करो, क्योंकि ये डॉक्टरों की डॉक्टर है, जब तक इसकी इच्छा नहीं होगी महामारी खत्म नहीं हो सकती है। तो मैंने विनती किया भजन के माध्यम से, शब्दों में लिखा है,
बढ़ा लो सुर आधी सुर बढ़ा लो Thank you.
जो चंडी माँ से प्यार करते हैं माँ विष्णु से, और जो माँ माँ करते हैं जो सचमुच प्यार करते हैं, प्यार भी करते हैं। अगर प्यार कर रहे तो एक मिनट में सभी अपना अपने जगह पर खड़े हो जाए। वो चंडी माँ से प्यार करते हैं, चंडी माँ के भक्त, माँ विष्णु की, भावे वाले की, सारे परिवारों के लिए बद्री शर्मा की शादी की भी खुशी है। सारे परिवार देखो आज पता चलेगा केड़े केड़े महाराज है। सारे परिवार वो चंडी माँ से प्यार करता है। जब तक नहीं जाओगे, जब तक आप नाचोगे नहीं, क्योंकि पैदल है वो। कहते हैं चंडी मात से मिलना आसान नहीं भक्तो, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, कहीं पैदल चलना पड़ता है, कहीं भूखे सोना पड़ता है, तभी जाके माँ के दीदार होते हैं। जो चंडी माँ से प्यार करते हैं उन्होंने अपना अपने दीदार किया, दोनों हाथ में करके और नच के हाथ नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है आप प्यार नहीं करते हैं। अगर चंडी माँ से प्यार करते हैं तो नच के हल्के में खड़े होने की सजा नहीं दी आपको मैंने, आपके चरणों में विनती की है कि नच के हल्के में 5 मिनट को लगा देगी चंडी माँ को भी। अगर वो मेरे भगत यहाँ भी रहते हैं प्यार करते हैं दोनों हाथ में रखे, दोनों हाथ में
Thank you.
देख माइक ओए इधर है।
बचने के बाद कुछ साइड होकर माता दिल को छू जाने वाले हैं। Oh
के दरबार की। Thank you.
वंदना शर्मा जी की शाशा Yeah.
Oh.
माता की आरती होगी लाज रख देवी चंडी माता मेरी है कोई मेरा अंत न पाया हो। एक बार मैं गाऊंगा एक बार आप सभी गाओगे मगर सारे जगह पे खड़े होते Oh,
गया है। भजन गाएंगे उसमें कोरोना के विषय पर, कोरोना को भगाने वाली